नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, फिर ड्राइवर पर चढ़ा दी गाड़ी, ग्रामीणों ने बांध कर की पिटाई। तेज रफ्तार कहर का थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज बढ़ती सड़क दुर्घटना से बचने के लिए प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, इसके बावजूद भी लोग तेज रफ्तार के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामले में दुमका के जामा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दुमका पाकुड़ मुख्य पथ पर सीमेंट लदे ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो पलट गई और ऑटो चालक रोशन हांसदार ट्रक के नीचे चला गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को धर दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से ड्राइवर को छुड़ाकर अपने साथ थाना ले गई। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजन को सरकारी सहायता के रूप में 10,000 तत्काल दिया, जिसके बाद सड़क जाम कर रहे आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।